अस्सलाम वालेकुम, ये हमारा सरजानी टाउन है, सरजानी टाउन यूसुफ गोट, ये सामने आप देख सकते हैं रहमानिया मस्जिद है। और रहमानिया मस्जिद पे ये आवाम है जो बेचारी गुरबत से परेशान होकर जो घरों का सामान है, उस घरों का सामान लेके आने के बाद उसने यहाँ पे रोडों पे रख के घर का सामान बेचने कि अपने घर का रोज़ का गुजर बसर कर सके। मतलब कि मैं अपनी गवर्नमेंट को, हुकूमत को गैरत दिलाना चाहूँगा कि उन्होंने इतने सारे वादे और दावे करे, दावे करने के बाद उनका ये हाल है कि मतलब कि आवाम पब्लिक जो है वो घरों से अपना सामान लाकर रोडों पर रख के सामान अपना बेच रही है। इन बेचारों का, गरीबों का ये हाल हुआ है। बेचारा रोज़ की मजदूरी करने वाला शख्स था, रोज़ का कमाता, रोज़ का खाता था, और अब इसका ये हाल है कि अपने घरों का सामान निकाल कर और सामान ला के आप देख सकते हैं कि लोगों ने रश लगा के यहाँ पर खड़ा हुआ उसके घर का सामान खरीद रहे। तो खुदारा मैं अपने हाकिमों को, गवर्नमेंट को कहूँगा खुदारा अल्लाह से डरें, अवामों का, मजदूरों का ख्याल करें कि आपने लॉकडाउन तो लगा दिया, लॉकडाउन लगाने के बाद आपने गरीबों का नहीं सोचा कि जो रोज़ के कमाने वाले थे, खाने वाले थे, उनका क्या होगा। उनका फिर ये हाल होगा, अपने घरों का सामान निकाल कर रोड पर ला के रोड पर रख के बेच रहे हैं। और ये भाई है जो बेच रहा है, गरीब है बेचारा, ये रोज़ का काम करने वाला, रोज़ का कमाने खाने वाला था। अब ये देखिए, वो गरीब यही बोल रहे हैं कि लोग उससे कम करवा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, घर पे खाने के लिए पैसे नहीं है, तो मैं जो है मैं कम से कम कीमत में आपको दे रहा हूँ। यार जाओ बात सुन, इसको बोल सामान नहीं बेच, इसको बोल काहे बुला रहे, इसको आगे बोल काहे बुला रहे, थोड़ा सा सिर्फ बता दें। आपने जो दे दिया, आपने ले लिया ना, आप उन आपने कूलर और पतीली दी है, ये वापसी ले लें, मैं उनको बोल देता हूँ वहाँ से वापसी लें, आप उनसे पैसे लें, सारा सामान घर पर लेंगे, फिर आप आगे मेरे से। अरे बताया क्या सर, मैं समझ रहा हूँ आप मेरी मदद करना चाह रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। आप वो छोड़ें, आप सामान को रखें, फिर आप गवर्नमेंट को पैगाम देंगे, आप गवर्नमेंट को क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? मैं क्या पैगाम दे सकता हूँ रैली, मैं तो बिल्कुल जो प्लेस होने की, मैं तो बहुत खुदार किस्म का इंसान हूँ लेकिन मजबूर हो रही। तो आप गवर्नमेंट को क्या कहना चाहते हैं, वो क्या कह रहे हैं आपके साथ? गवर्नमेंट फरगान भाई वो सामान लेके जा रहे हैं, उनको बोलो आप वापसी करो, किसी गरीब की मजबूरी का फायदा मत उठाओ, उनको बोलो फरगान भाई को बोलो किसी की मजबूरी का फायदा मत उठाओ। छोड़ो छोड़ो, देने वो जो दे दिया सर, कोई बात नहीं, नहीं नहीं सही है, आपको पैसे दे चुका हूँ। यही चीज़ें, ये हमारी आवाम का हाल है सर, नहीं कि मतलब मदद करने के बजाय ये हमारी आवाम चीज़ें खरीद खरीद के लेके जा रही है और अपने घरों पर भिजवा रही है। आप जाएँ अपना सामान देके, वो सामान आप घर पर लेके जाए, छोड़ें।